अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे फ्यूचर के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दें। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, ये पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इसमें एबिलिटी होता है ट्रैक करने का डर्ट फ्रॉम द पोर्स और डीपली क्लेंज कर देता है आपकी स्किन को। ये 2.5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है रेगुलर क्लेंजर से। ये आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। ये मिनिमाइज कर देता है ओपन पोर्स और कंट्रोल करता है सीबेसियस ग्लैंड्स, और इससे आपकी जो स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद आपको चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। मैं आपको बता दूं एलोवेरा जेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि रिड्यूस कर देती है चांसेस ऑफ सनबर्न, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, फाइट करती है एजिंग से और रिड्यूस कर देती है एक्ने और इन्फेक्शन। लास्टली आपको ऐड करना है 3 to 4 drops ऑफ टी ट्री ऑयल। मैं बता दूं इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि करती है किल बैक्टीरिया और वायरस कॉजिंग एक्ने और रिड्यूस करती है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। इसके बाद आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब आपका मिक्सचर तैयार हो गया स्किन पे अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता दूं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डू अ पैच टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद ही इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें। इसके बाद आप इसको अप्लाई करें एक इवन लेयर अपनी स्किन पे और फिर 20 मिनट तक के लिए रहने दें। आफ्टर 20 मिनट वॉश अप योर फेस विद ल्यूकॉम वाटर। अगर आप चाहे तो कॉटन में वाटर डाल के भी आप अपने फेस से रिमूव कर सकते हैं।